हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन पे। और फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ कि यदि दोनों भौहों यानी कि आईब्रोज के बीच में यदि छिपकली गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, छिपकली का किसी भी अंग पे गिरने का कोई ना कोई शुभ या अशुभ फल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ कि यदि दोनों भौहों के बीच में छिपकली गिरती है तो उसका क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, अगर सफ़ेद छिपकली आपके ऊपर या आपके किसी भी अंग में गिरती है तो ही उसका कोई फल होता है, काली छिपकली का कोई फल नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमारी ये जानकारी पुरातन ग्रंथों से ली गई है। तो फ्रेंड्स, मैं बताने वाली हूँ आपको कि यदि दोनों भौहों के बीच में छिपकली गिरती है तो उसका मतलब होता है कि आपको रोग और कष्ट मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप किसी रोग रोग के द्वारा या किसी आपको बीमारी के द्वारा आपको कष्ट होने वाला है, कष्ट पहुँचेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो उसे आप सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप हम इस तरह की और वीडियोज़ देख सकते हैं।